हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू PhD जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यहाँ पे जो इस साल के लिए PhD नोटिफिकेशन आया है वो डिटेल में डिस्कस करूँगी। ओके, सो ये एक बहुत ही अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है एंड ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एंड इसके लिए मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि कब आएगा नोटिफिकेशन। सो अब आ गया है एंड दैट्स वाई ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में इस साल के लिए PhD के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। सो इस यूनिवर्सिटी में 60 से भी ज़्यादा प्रोग्राम्स अवेलेबल है, PhD प्रोग्राम्स, 630 से भी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है। आपको किसी भी नेशनल लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल ईयर मास्टर स्टूडेंट्स एंड बैचलर स्टूडेंट्स भी डायरेक्टली एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो इस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी एंड सभी स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी है, बट जो स्टूडेंट्स नेट, गेट, GPAT, ICMR, ICAR क्वालिफाइड है इन स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देनी है। सो ये सब डिटेल्स हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे बट इन शॉर्ट amount of time. So let us begin. सो स्टूडेंट्स, ये है वेबसाइट जहाँ पे आपको PhD एंट्रेंस टेस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एंड ये जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर किया है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉस्पेक्टस एंड आप सभी स्टूडेंट्स अभी से ही आवेदन कर सकते हो जो कि 7 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है एंड जिसकी लास्ट डेट अगस्त तक है। ओके, सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि एंट्रेंस टेस्ट आपका कैसा होगा जो कि 28 अगस्त को होगा आपका एंट्रेंस टेस्ट। ओके, सो एंट्रेंस टेस्ट में पेपर 1 विल बी फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसमें आपको 50 MCQs पूछे जाएंगे फॉर 50 मार्क्स। सो इसमें आपको 25 MCQs ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर पूछे जाएंगे एंड 25 MCQs आपको सब्जेक्ट के लिए पूछे जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 2 विल बी फॉर सब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस जिसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सो आपको इसमें से 4 क्वेश्चंस जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाएंगे एंड 4 क्वेश्चंस आपको कंसर्न्ड सब्जेक्ट के लिए पूछे जाएंगे। ओके, सो आउट ऑफ दैट कैंडिडेट्स को 2-2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, सो ईच क्वेश्चन विल कैरी 10 मार्क्स इन दिस। सो स्टूडेंट्स, अगर आप पेपर 1 में 40% या फिर उससे भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हो तब भी आपका जो पेपर 2 है वो इवैल्यूएट किया जाएगा। दैट्स वाई देखो, आपको पेपर 1 में 40% मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दोनों ही पेपर्स को मिला के आपको 50% मार्क्स स्कोर करने हैं तभी आप एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करोगे। सो ये जो एंट्रेंस टेस्ट है ये बेसिकली आपके लिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रहेगा एंड इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो एंट्रेंस टेस्ट के लिए 70% मार्क्स है बेसिकली, मतलब 70% वेटेज है एंड इंटरव्यू के लिए 30% वेटेज है। ओके, सो स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स है वो एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट रहेंगे एंड उनमें से जो स्टूडेंट्स UGC, CSIR, NET, इंक्लूडिंग JRF, GATE, SEED, GPAT, ICMR, देन ICAR या फिर किसी भी नेशनल लेवल टेस्ट को जिन्होंने क्वालिफाई किया है विच इज़ कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारे स्टूडेंट्स एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट रहेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में टीचर की तरह काम कर रहा है, एज अ टीचर बेसिकली काम कर रहा है, वो भी एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट ने गेट या फिर GPAT को क्वालिफाई किया है वो भी एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट रहेगा एंड एंट्रेंस टेस्ट जो है उसका जो रिजल्ट है वो बेसिकली 3 ईयर्स तक वैलिड रहेगा। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, सो जैसे कि आपने अभी देखा कि आप सभी को एंट्रेंस टेस्ट को तो क्वालिफाई करना ही है, राइट? एंड दैट टू एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% मार्क्स की ज़रूरत है। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम सभी आपके लिए काफ़ी सारा प्रिपरेशन मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिसमें से रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हम रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिस कोर्स की मदद से सारे कैंडिडेट्स गारंटीड पंजाब यूनिवर्सिटी PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे ही। सो इस कंप्लीट कोर्स में हम सभी स्टूडेंट्स को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, 1500 से भी ज्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड करते हैं
एंड ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आप सभी को हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कोर्स में कवर किया है, विच इज़ द सिलेबस ऑफ द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस कोर्स को अगर आपको परचेज करना है देन आप इधर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फीस भी बहुत कम है, विच इज ओनली 699, एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट हम सारे स्टूडेंट्स को पंजाब यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट पेपर 2 यानी कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। सो इसमें आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो एमसीक्यूज सेक्शन में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से गारंटीड सारे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर ही सकते हैं। सो यहाँ पे जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो स्टडी मटेरियल है इसकी फीस है 999, एंड इनकम फीस में हम सारे कैंडिडेट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, टू ज्वाइन आर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस सी द अदर डिटेल्स। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, आप सभी के पास तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। अगर आप फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हो देन इसी के लिए भी यही क्राइटेरिया एप्लीकेबल है। 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है टू द एससी एसटी ओबीसी डिफरेंटली एबल्ड ईडब्ल्यूएस एंड अदर कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स को। अगर आपने बैचलर्स डिग्री की है विथ मिनिमम 75% मार्क्स तब भी आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे भी 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को दिया है। अगर आपने एमफील प्रोग्राम किया है विथ मिनिमम 55% मार्क्स तब भी आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे भी 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। सो देखो, आपको फैकल्टी वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो प्रोवाइड किया है। सो अकॉर्डिंग टू योर कंसर्न सब्जेक्ट आप फैकल्टी वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपने फॉरेन इंस्टीट्यूशन से अगर किया है मास्टर्स डिग्री देन वहाँ पे भी आपको एंट्रेंस टेस्ट देनी है। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट बेसिकली फॉरेन स्टूडेंट्स को देनी है, बट एक्सेप्शन उन्हीं के लिए है और जो आईसीसीआर और एमएचआरडी और गवर्नमेंट एजेंसी है उनकी ओन कंट्री में, उनके तरफ से अगर वो पीएचडी के लिए आते हैं यूनिवर्सिटी में देन उन स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी है, बट बाकी के सारे फॉरेन स्टूडेंट्स को पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देनी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी कि यहाँ पे वैकेंट सीट्स कितने हैं एंड आप कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए आवेदन कर सकते हो। देखो, इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है एंड काफ़ी सारे सीट्स भी अवेलेबल है। सो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो डिफरेंट फैकल्टीज़ में डिफरेंट सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, जैसे कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के लिए 2 सीट्स है, इकोनॉमिक्स में 5 सीट्स, हिस्ट्री में 2 सीट्स, पॉलिटिकल साइंस में 2 सीट्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में 38, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4, सिख स्टडीज़ में 2। फैकल्टी ऑफ साइंस में भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है एंड उनमें काफ़ी सारे सीट्स अवेलेबल है। फैकल्टी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में भी है। देन फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस, फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन एंड फाइन आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स एंड वेकेंट सीट्स अवेलेबल है। फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स एंड वेकेंट सीट्स अवेलेबल है। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल 65 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है एंड एज वेल 634 सीट्स अवेलेबल है। सो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। सो नाउ लेट अस सी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल अप कर सकते हो एंड जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो भी हम देखते। सो आपका तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हो गया है एंड आपको जो इन्फॉर्मेशन भरनी है उसकी लास्ट डेट है 5th अगस्त। आपको जो फीस पे करनी है उसकी लास्ट डेट है 8th अगस्त।
आपको जो फोटोग्राफ्स एंड जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसकी लास्ट डेट है 10th अगस्त. सो जो एम्प्लॉयज़ है पंजाब यूनिवर्सिटी के, उन सभी एम्प्लॉयज़ को 50% यू नो जो कंसेशन है वो दिया जा रहा है फॉर द एप्लीकेशन फीस. तो ऐसे सारे जो स्टूडेंट्स है उनको यूनिवर्सिटी में यू नो एक फॉर्म देना है, जिसे कंसेशन फॉर्म बोलते हैं, जिसकी लास्ट डेट है 14th अगस्त. ओके, एंड आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको 16th अगस्त को मिलेगा. जिन्होंने उनका फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है बट यू नो फीस पे की है, ऐसे भी स्टूडेंट्स लेट फीस भर के 17th अगस्त तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. देखो, एंट्रेंस टेस्ट जो है आपकी वो 28th अगस्त को है. ओके, आप सभी स्टूडेंट्स आंसर कीज अपलोड कर सकते हैं 12th सितंबर तक. लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शंस टू द आंसर की है 14th सितंबर. अपलोडिंग ऑफ द रिस्पॉन्स टू द ऑब्जेक्शंस एंड इनवाइटिंग क्रॉस ऑब्जेक्शंस 22nd सितंबर. लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस टू द आंसर की है 24 सितंबर. एंड आपका जो रिजल्ट है वो आपको 12th अक्टूबर पर मिल जाएगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे. सेंटर फॉर एंट्रेंस टेस्ट है चंडीगढ़ ओनली. ओके, सो यहाँ पे आपको डेट शीट दी है कि आपका एग्जाम जो है वो संडे को होगा ऑन 28th अगस्त, जिसमें से पेपर वन आपका 10 से लेकर 11 AM तक होगा. पेपर टू सब्जेक्टिव टाइप फॉर ऑल फैकल्टीज एक्सेप्ट UIAMS डिपार्टमेंट 11:30 से लेकर 1:30 PM. पेपर टू सब्जेक्टिव टाइप फॉर UIAMS डिपार्टमेंट ओनली 2:30 PM से लेकर 4:30 PM तक. सो यहाँ पे नीचे आपको नोटिफिकेशन भी दिया है रिलेवेंट टू UIAMS एंड UBS डिपार्टमेंट. ओके, सो स्टूडेंट्स आपकी जो PhD एंट्रेंस टेस्ट की फीस है वो थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पे, विच इज़ 2395 है. एंड जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के, यानी कि SC ST PWD, उनके लिए फीस है 1198. ओके फाइन, सो ये सब इंफॉर्मेशन हमने देखी. नाउ लेट अस सी की सिलेबस क्या है. देखो, रिसर्च मेथडोलॉजी का सिलेबस जो है वो तो कॉमन है फॉर ऑल द फैकल्टीज, बट जो कंसर्न सब्जेक्ट का सिलेबस है वो एवरी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रहेगा. एंड कंसर्न सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो आपका यूनिवर्सिटी का जो मास्टर्स प्रोग्राम है, सो अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस आपका रहेगा. ओके, सो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में आपको काफ़ी सारे फेलोशिप भी मिलेगी. सो फेलोशिप के लिए आप यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो. येस, सो दिस इज द सिलेबस. सो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस आपको दिया गया है, विच इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च प्रोसेस, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थियरी बिल्डिंग, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन मेथड्स, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जिसमें यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट टेक्निक्स, डेटा प्रोसेसिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. एंड नीचे आपको जो फैकल्टी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स है उसका सिलेबस दिया है. सो इनमें से आप सिर्फ एक ही ग्रुप को चूज करके एग्जाम को दे सकते हो फॉर द पेपर टू. सो स्टूडेंट्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, देन ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग और रिटेल मैनेजमेंट, देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस, इन सभी के लिए आपको सिलेबस प्रोवाइड किया है. आप देख सकते हैं PhD इन अप्लाइड मैनेजमेंट एंड सेक्टरल डोमेन्स एट UIAMS, इसके लिए भी आपको अलग से सिलेबस प्रोवाइड किया है. सो बाकी के सब्जेक्ट्स को, सब्जेक्ट्स के सिलेबस आपको प्रोवाइड नहीं किए हैं. सो इसका मतलब यह है कि आपको PG का जो सिलेबस है उसी को आपको क्या करना है, रेफर करना है. सो ये देखा हमने. सो स्टूडेंट्स अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, देन आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले. देन आफ्टर दैट आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिलअप करनी है. देन आपको पेमेंट करना है. पेमेंट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. देन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है. ओके, सो यहाँ पे अगेन देखो आपको जो डेट्स है वो मेंशन किए हैं. सो आप ये डेट्स वंस अगेन देख सकते हैं. ओके, सो ये था सारा इन्फॉर्मेशन अबाउट PhD एंट्रेंस टेस्ट एट पंजाब यूनिवर्सिटी. सो नाउ लेट अस सी वंस अगेन द प्रिपरेशन मटेरियल जो कि हम आप सभी को प्रोवाइड करते हैं ताकि आप PhD एंट्रेंस टेस्ट
टेस्ट को आराम से एंड गारंटीड क्वालिफाई कर सके। जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स में सारे स्टूडेंट्स को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। जैसे कि आपने देखा कि आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए आप एमसीक्यू लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए आप थियरी लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं। सो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सो मॉक टेस्ट में हम आप सभी को 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज, दैट्स व्हाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। सो मॉक टेस्ट की मदद से आप देख सकते हैं कि आपका स्टडी कहाँ तक हुआ है, आपको कितने स्टडी की अभी तक जरूरत है। सो आप बेसिकली मॉक टेस्ट देकर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छी कर सकते हो। सो इसमें आपको 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज का रिविजन पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जिस पीडीएफ की मदद से सारे स्टूडेंट्स एक ही पीडीएफ में सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं एंड दैट्स व्हाई गारंटीड उनको 80% जो क्वेश्चंस है वो आपको इसी पीडीएफ में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% क्वेश्चंस इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हैं देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फीस भी बहुत कम है, विच इज ओनली 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटेड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो यहाँ पे जितने भी सारे देखो टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हमारे पास वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, रिविजन पीडीएफ अवेलेबल है। एंड आपने देखा भी है कि ये सारे टॉपिक्स बेसिकली सिलेबस है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का, राइट। एंड अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, अगर आपको डेमो मॉक टेस्ट देने हैं देन वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, दैट टू ऑन द ग्लोबल ऑनलाइन ऐप एंड आफ्टर दैट आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। पिछले साल भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्स को परचेस किया था एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को भी क्वालिफाई किया था। सो पिछले साल का रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा था, इस साल भी बहुत अच्छा जाएगा, ओके। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हम सारे स्टूडेंट्स को पंजाब यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से वो हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो एमसीक्यूज में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से गारंटीड सारे स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही सकते हैं। सो यहाँ पे जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं मैंने, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन स्टडी मटेरियल अभी अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए चाहिए देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन स्टडी मटेरियल की फीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सारे कैंडिडेट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो टू ज्वाइन आर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। सो ये थी सब ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।